क्षमा करे भैया, किंतु यह संभव है। माँ में ईर्षा की दुर्गुण दूर दूर तक नहीं है, वो तो सदैव प्रसन्न रहती है। अब प्रसन्न रहती है वो अपने अतीत की त्रुटियों से सीख ले चुकी है। उनके दोषों पर उनका नियंत्रण है, किंतु तब ऐसा नहीं था। किंतु भैया गरुड़, एक बार एक ऋषि नदी के किनारे स्नान ध्यान करने जा रहे थे, तब उनकी दृष्टि एक बिच्छू पर पड़ी। वो पत्थरों के बीच फंसा हुआ था, स्वयं को बाहर निकालने में अक्षम था, उसके प्राण संकट में थे। उसकी सहायता करने के लिए ऋषि ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, किंतु उस बिच्छू ने उन्हें ही डंक मार दिया। पर क्यों? ऋषि ने भी बिच्छू से यही पूछा। जानते हो बिच्छू ने उत्तर क्या दिया? उसने कहा, यह उसकी प्रवृत्ति है, वो चाहकर भी अपने स्वभाव को बदल नहीं सकता। अरिष्टवर्ग अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर, ये भी एक बिच्छू की तरह ही है गरुड़। इनसे बचने का कितना भी प्रयास करो, ये कभी ना कभी डस ही लेते हैं। विंता माँ के साथ भी ऐसा ही हुआ। उनमें अपनी संतानों को जन्म देने की इच्छा इतनी प्रबल थी कि स्वयं से पहले अपनी बहन को माँ बनते देख उनमें अधीरता के साथ साथ ईर्ष्या भी बढ़ गई, और इस ईर्ष्या ने उनसे ऐसा पाप करवाया जो एक माँ के लिए अकल्पनीय है। अनजाने में वो अपने पुत्रों की सबसे बड़ी शत्रु बन गई। अपनी संतान का पालन पोषण करने का, उनके साथ खेलने का, उन्हें लाड बुलार करने का सौभाग्य इस संसार की सभी माओं को मिलता है, तो फिर मुझे क्यों नहीं? तो विंता को मुझसे और मेरे बलशाली पुत्रों से ईर्ष्या हो रही है। आज मैं तुम सबकी शक्ति, चुस्ती और सामर्थ्य की परीक्षा लेना चाहती हूं। परीक्षा? कैसी परीक्षा मां? यदि तुम चाहते हो कि मृत्यु तुम्हारे पास भी ना फटके, तो स्वयं मृत्यु का दूत बन जाओ, बनकर जाओ और जितने प्राणों का हरण कर सकते हो कर लो। आज की परीक्षा में विजेता वही कहलाएगा जो जितना अधिक रक्त बहाएगा। शाबाश मेरे पुत्रों, शाबाश। इतनी आत्माओं को उनके शरीर से मुक्त कर दो कि यमराज को भी तुमसे ईर्ष्या होने लग जाए।
मां, हमारे भोजन के लिए किसी प्राणी को मारना हमारी विवशता है, क्योंकि यही विधि का विधान है। किंतु यह हिंसा व्यर्थ है मां, केवल अपने मनोरंजन के लिए। मनोरंजन नहीं, प्रशिक्षण है ये। सृष्टि के जंगल में स्वयं को जीवित रखने के लिए दूसरों के प्राण लेना सीखना पड़ता है। कारण उचित हो तो वध करने में कोई दोष नहीं होता मां, किंतु आप वध नहीं, हत्याएं करवा रही हैं। परीक्षा में विजयी होने के लिए जीवन छीन लेना ये उचित नहीं है मां। वाह, तो तुम दोनों अपनी मां को उचित अनुचित का भेद सिखाओगे। हमें क्षमा कर दीजिए मां, महल लौटने की आज्ञा दीजिए। तो तुम दोनों मेरी आज्ञा का पालन करने का प्रयत्न भी नहीं करना चाहते। जाओ। कद्र मां का अहंकार इतना अधिक हो गया था कि वो ना तो हमें सुनना चाहती थी, ना ही हमारा दृष्टिकोण समझना चाहती थी। अर्थहीन भीषण रक्तपात देखकर हमारे हृदय में पीड़ा के बवंडर उठ रहे थे, परंतु उन्हें हमारी पीड़ा का आभास तक नहीं था। अपनी आंखें फेर ली थी उन्होंने हमसे, और ऐसे में जब बिंता मां हमारी सहायता के लिए आगे आई। मां, वो कैसे? तुम्हारे सभी भाइयों का जन्म हो चुका है। उनकी मां के हृदय में प्रसन्नता किसी हिरणी की तरह कुलाचे भर रही है। ये हर्ष उल्लास, ये प्रसन्नता अनुभव करने का अवसर कब दोगे तुम दोनों मुझे? कितनी आकुल हूँ मैं तुम्हें निहारने के लिए, अपनी गोद में खिलाने के लिए, अपने हाथों से भोजन कराने के लिए, जो कुछ भी मुझे ज्ञात है वो सब तुम्हें सिखाने के लिए। पर तुम प्रणाम छोटी माँ। यशस्वी भवा, इतनी शीघ्र लौट आए अपने भ्रमण से? वो भ्रमण नहीं था छोटी माँ, भंवर था, भंवर जाल। अनंत, क्या हुआ है बता मुझे। आप ही बताइए छोटी माँ, क्या स्वयं जीने के लिए निर्दोष प्राणियों की हत्या करना आवश्यक है? इस सृष्टि में कुछ जीव शाकाहारी हैं, तो कुछ जीवों की प्रवृत्ति मांसाहारी भी है। वासुकी, सृष्टिकर्ता ने ऐसा ही बनाया है उन्हें ताकि प्रकृति में संतुलन बना रहे। इसीलिए भोजन के लिए आखेट करने में कुछ भी अनुचित नहीं है, किंतु हाँ, आखेट आवश्यकता के लिए होना चाहिए, लोभ के लिए, खेल के लिए, या शक्ति के भोंडे प्रदर्शन के लिए नहीं। तो फिर कद्रुमा हमें हिंसा का पाठ क्यों पढ़ा रही है छोटी माँ? निर्दोष प्राणियों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए हमें विवश क्यों कर रही है वो? प्रेम, स्नेह, संवेदना, ये संस्कार जो आप हमारे दोनों भाइयों को दे रही हैं, वो हमें क्यों नहीं दे रही? तुम्हारी माँ वही कर रही है जो उनके विचार में तुम्हारे लिए अच्छा है। हम कद्रु माँ का अनादर नहीं करना चाहते, किंतु निर्दोषों की हत्या का जो आदेश वो हमें दे रही हैं, उनका पालन करना हमारे लिए संभव नहीं है। हम क्या करें छोटी माँ, ऐसे लग रहा है जैसे जैसे हम दिशाहीन हो गए। जीवन का उद्देश्य क्या है माँ? पुत्र, अनंत, वासुकी, तुम दोनों ने सुना ना? क्या छोटी माँ? नहीं तो कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं।
इस संसार में हमारा जन्म क्यों हुआ है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें ये जीवन कैसे जीना चाहिए, ये ऐसे प्रश्न हैं जो हम सभी के मन में कभी ना कभी उठते हैं। पर इनका सही उत्तर पाने का माध्यम केवल एक ही है, अपने आराध्य की भक्ति। उनके चरणों में चित लगाओगे तो अन्य सभी चिंतनों से मुक्त हो जाओगे। तुम्हें ज्ञात है अनंत, तुम्हारे जन्म के समय मैंने तुमसे क्या कहा था? अनंत, तुम्हें अनंत काल तक प्रभु श्री नारायण की भक्ति और सेवा का अवसर मिले। तुम्हें श्री नारायण की आराधना करनी चाहिए। तुम ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करो। और तुम्हें मैंने शिव भक्ति का आशीर्वाद दिया था वासुकी, तुम ओम नमः शिवाय का जाप करो। तुम दोनों के मन को शांति अवश्य मिलेगी। धन्यवाद छोटी माँ। आपका बहुत बहुत आभार छोटी माँ। यशस्वी भवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और इस प्रकार विंता माँ हमारी प्रथम गुरु बनी। जानते हो गुरु, गुरु के बिना ना तो ज्ञान की प्राप्ति होती है ना ही भगवान की। यदि विंता माँ ने मुझे भक्ति का मार्ग ना दिखाया होता तो मेरे लिए यहां तक पहुंचना संभव नहीं था। अपने आराध्य, अपने भगवान के दर्शन करने, उनके समीप रह पाने का सौभाग्य मुझे कभी नहीं मिल पाता। आपके और वासुकी भैया के साथ माँ ने इतना अच्छा व्यवहार किया था, फिर आपने ऐसा क्यों कहा था कि ईर्ष्या के कारण अपने ही पुत्रों की सबसे बड़ी शत्रु बन गई थी वो? भैया, जो भी हुआ था, जैसा भी हुआ था, मुझे बताइए। विंता माँ के मन में ईर्ष्या अवश्य पनप रही थी, परंतु उसी ईर्ष्या को भीषण अग्नि में परिवर्तित करने का पाप मेरी मां कद्रु ने किया। हमारे नाग भाइयों के जन्म के पश्चात हमारे पिता ने संसार के कल्याण के लिए एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया था, और धर्म पत्नी होने के नाते कद्रु मां, दीति मां और विंता मां भी वहां आई थी। गरुड़, व्यंग बाण जब अहंकार के उन्माद में छोड़े जाते हैं तो उनकी धार और अधिक तीक्ष्ण हो जाती है। फिर विंता माँ तो पहले से ही ईर्ष्या के ताप में व्याकुल थी, वो उन व्यंग बाणों के प्रहार से नहीं बच पाई। सुना है तुम्हारी संतानें भूमि पर रेंगने में कुशल है? इच्छा अनुसार विष उगलने में भी अत्यधिक कुशल है मेरी संतानें। उनके विष की एक बूंद से देवदानों क्षण भर में अपने प्राण त्याग सकते हैं। तो फिर देवताओं को अवश्य तुम्हारे पुत्रों से डरना चाहिए। हमें किसी से कोई भय नहीं, क्योंकि जब तक गुरु भार्गव का आशीर्वाद हमारे ऊपर है हमें कुछ नहीं हो सकता। मेरे पुत्रों को किसी से कोई भय नहीं। भय तो विंता को होना चाहिए। इतना समय हो गया है, मेरे एक सहस्त्र पुत्र जन्म ले चुके हैं, किंतु उसके दो डिमों में से एक भी डिम परिपक्व नहीं हुआ। न जाने उसमें कुछ है भी या नहीं। कद्रु दीदी। अरे विंता, क्रोधित क्यों हो रही हो? इसमें क्रोधित होने वाली कोई बात नहीं। जितना समय तुम्हारी संतानें टीमों में से बाहर आने में लगा रही हैं, तो शंका तो स्वाभाविक है।
है ना? कहीं ऐसा तो नहीं विंता कि तुम्हारे डीम सड़ गए हो? विचार करो, संभावना ही आगे चलकर सत्य बनती है। महर्षि दुर्वासा की दिव्य माला वक्ष पर है, किंतु तुम्हारे कानों में अभी तक संतान की किलकारी नहीं सुनाई थी। कोई ना कोई तो समस्या अवश्य है। इतनी निष्ठुर थी वो। मेरी माँ पहले से ही दुखी थी और वो दोनों बहनें होकर भी अपनी बहन का कष्ट समझने के स्थान पर उन्हें और अधिक पीड़ा पहुंचा रही थी। अहंकार दीमक की तरह होता है करुण, जो भीतर ही भीतर हमारी सारी अच्छाइयों को खा जाता है, और जब तक हमें पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक और जहां दीदी माँ और कद्रू माँ विंता माँ को नीचा दिखाने में जुटी हुई थी, वहीं दूसरी ओर देवराज इंद्र कुछ ऐसा करने जा रहे थे जिसका प्रभाव तुम पर, तुम्हारे भाई पर और समस्त सृष्टि पर पड़ने वाला था। ऐसा क्या किया था देवराज इंद्र ने? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो। ठहरो, ठहरो। नीचे देखकर चला करो। देवराज इंद्र हूं मैं, मेरी दृष्टि स्वर्ग पर है, भूमि की ओर देख के नहीं चलता मैं। दानों से पराजित होकर भी अहंकार नहीं गया तुम्हारा? मेरे अहंकार पर कटाक्ष करने से पहले आप अपनी आकृति तो देख लीजिए। सजावट की वस्तु हैं आप और मुझे आदेश देने चले हैं। मुझे आदेश देने से पहले आप अपने आकार और मेरे विस्तार का अंतर तो देख लेते। देखिए मैं कितना विशाल हूं, आप सबसे विशाल। मूर्ख, तुम्हारा उपहास कर रहा है? तुमने तो ये वस्त्र भी भिक्षा से अर्जित किए हुए हैं। वो तो तेरे माता पिता के तपोबल का प्रताप है कि तू सर्वस्व खोकर भी अपना शीश इन कंधों पर सुरक्षित रख पा रहा है। एक छोटी सी लकड़ी तो आप सब मिलकर उठा नहीं पा रहे, किंतु अभिमान इतना कि मेरा अपमान करने का दुस्साहस कर रहे हैं। हम आकार में भले ही छोटे हैं, लेकिन हम मिलकर जब कोई कार्य करते हैं तो असंभव को भी संभव बना देते हैं। तेरी देह विशाल है किंतु तेरी बुद्धि अल्प है, तू ये समझ ही नहीं सकता। तन छोटा होने का अर्थ तुच्छ होना नहीं होता है। हम तो तुझे यहां आशीर्वाद देने आए थे, किंतु अब हम तुझे श्राप देंगे। श्राप, श्राप देंगे, श्राप। हम तो तुझे यहां आशीर्वाद देने आए थे, किंतु अब हम तुझे श्राप देंगे। श्राप, श्राप, श्राप। अपनी तप शक्ति को साक्षी रखकर हम भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि ऋषि कश्यप को अगली संतान के रूप में ऐसा पुत्र देना
जो उनके यश के अनुरूप हो। जो इंद्र से सहस्त्र गुणा अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान हो। इंद्र से सहस्त्र गुणा अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान हो। शक्तिशाली और बुद्धिमान हो। शक्तिशाली और बुद्धिमान हो। जो प्रत्येक अहंकारी के अहंकार का नाश करे। जो प्रत्येक अहंकारी के अहंकार का नाश करे। जो प्रत्येक अहंकारी के अहंकार का नाश करे। ऋषि कश्यप को अगली संतान के रूप में ऐसा पुत्र देना जो इंद्र से सहस्त्र गुणा अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान हो। जो प्रत्येक अहंकारी के अहंकार का नाश करे। पिताजी, मुझसे भूल हो गई। मैं इन महान ऋषियों को पहचान नहीं पाया। आप इन्हें कहिए ना कि ये मुझे क्षमा कर दे और अपना श्राप वापस ले ले। कहिए ना पिताजी। इसकी चिंता तुम्हें श्री विष्णु के परम भक्त वाल्कीली ऋषियों का अपमान करने से पहले करनी चाहिए थी। जो बीज तुमने बोया है फल उसके अनुरूप ही होगा। तुम्हारे दुर्वचनों का परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। युद्ध में पराजय के कारण मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और ऐसी परिस्थिति में मैं भला और बुरा समझ नहीं पाया। किंतु अब मुझे अपनी त्रुटि का आभास हो गया है। विनती करता हूं आपसे कि मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा कर दीजिए पिताजी। विनती करता हूं आपसे। स्वामी, पश्चात आपके आंसू तो श्री विष्णु को भी स्वीकार होते हैं। इससे भूल अवश्य हुई है पर अब इसे अपने अपराध का बोध हो गया है। मेरी विनती स्वीकार करें स्वामी। आप पिता हैं इसके। आपको अपने पुत्र की रक्षा करनी ही होगी। ऋषिवर, मुझे ज्ञात है कि मेरे पुत्र का अपराध क्षमा के योग्य नहीं है और मुझे यह भी ज्ञात है कि आपका दिया हुआ श्राप अब वापस नहीं लिया जा सकता। किंतु यदि संभव है तो इस पिता की प्रार्थना को स्वीकार कीजिए और मुझे वरदान दीजिए कि मेरा होने वाला अगला पुत्र बिल्कुल वैसा हो जैसा कि आपने वर्णन किया था। किंतु उसका राज्य क्षेत्र पाताल और स्वर्ग ना अपितु आकाश हो। ताकि इंद्र से उसका वैर ना हो और इंद्र भी सुरक्षित रहे। हम आपका अनुरोध अस्वीकार कैसे कर सकते महर्षि? भगवान विष्णु के प्रताप से होने वाली आपकी संतान का वर्चस्व संपूर्ण आकाश में स्थापित होगा। महाबुद्धिमान, महाबलवान आकाश का इंद्र कहलाएगा वो। आकाश का इंद्र कहलाएगा वो। भगवान विष्णु के प्रताप से होने वाली आपकी संतान का वर्चस्व संपूर्ण आकाश में स्थापित होगा। महाबुद्धिमान, महाबलवान आकाश का इंद्र कहलाएगा वो।
मेरे तो सारे पुत्र हो चुके हैं, दीदी के भी हो चुके हैं, तो फिर ये किसके पुत्र की बात कर रहे हैं? आप धन्य हैं ऋषिवर, धन्य हैं आप। इन सभी घटनाओं का प्रभाव बिंता माँ पर धीरे धीरे गहराता जा रहा था। ईर्ष्या, असुरक्षा और निराशा उनके विश्वास को धीरे धीरे नष्ट करने लगी थी, और ऐसे में कद्रु माँ ने अपना अंतिम दाव खेला। बस करो, आपस में ही लड़ोगे तो उस शत्रु का सामना कौन करेगा जो शीघ्र ही जन्म लेने वाला है? किसके मृत्यु ने पुकारा है मां? कौन है वो मूर्ख जो हमारा सामना करने का दुस्साहस करेगा? मां, विंता एक बार फिर से जीत गई। सिद्ध ऋषियों का वरदान है कि तुम्हारे पिता का होने वाला अगला पुत्र आकाश का इंद्र बनेगा, और वो अदिति के पुत्र इंद्र से 1,000 गुना अधिक शक्तिशाली होगा। अब केवल विंता के डिमो का परिपक्व होना शेष है। इसका अर्थ यह है कि वो महाशक्तिशाली आकाश का सम्राट कोई और नहीं, विंता का होने वाला पुत्र ही होगा। यदि एक बार उसका जन्म हो गया तो तुम जैसे 1,000 नागों का सामूहिक बल भी उसके बल के आगे फीका पड़ जाएगा। आप व्यर्थ की चिंता कर रही हैं मां। एक तो क्या, 1,000 इंद्र भी जन्म क्यों ना ले ले, कद्रु पुत्र तक्षक को कोई पराजित नहीं कर पाएगा। आत्मविश्वास आवश्यक है पुत्र, किंतु उसकी अति प्राणघातक हो सकती है। अपने शत्रु से झगड़ा करने से अच्छा है कि कुछ ऐसा करो कि तुम्हारा शत्रु जन्म ही ना ले पाए। किंतु मां, उससे हमारा भाई भाई का संबंध होगा। भाई भाई का संबंध देवों और दानवों के बीच भी है, किंतु दोनों एक दूसरे के प्राण लेने का एक भी अवसर नहीं छोड़ते। तुम्हारे संबंधों में कटुता नहीं आएगी, इस बात का क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? वो तो हम पर निर्भर करता है ना। इतने बड़े नहीं हो कि अपनी मां से कुतर्क करने लगो। सदैव सदैव मेरे आदेश की अवहेलना करते हो। यदि तुम दोनों को लगता है कि तुम इतने बुद्धिमान हो तो निश्चित ही तुम्हें मेरे मार्गदर्शन की आवश्यकता तो नहीं है। किंतु मां, जा सकते हो यहां से। यदि तुम्हें इस समस्त संसार का विजेता बनना है तो तुम्हें आकाश के इंद्र को जन्म लेने से रोकना होगा। आपकी आज्ञा का पालन मैं करूंगा मां। अभी जाकर उन डिमों को निकल जाऊंगा मैं। रुको कालिया, इस कार्य को तुम जितना आसान समझ रहे हो ये उतना ही कठिन है। विंता के सतीत्व की शक्ति और श्राप के सामर्थ्य से यदि तुम्हें भय नहीं लगता ना,
तो ये तुम्हारी मूर्खता है। समझदारी इसी में है कि हम स्वयं उसके दिनों को नष्ट नहीं करेंगे। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो स्वयं अपने टीमों को नष्ट करते। हमें ये कार्य बल से नहीं कुटिलता से करना होगा मां। तुम सबके साथ देखकर विंता को ईर्ष्या होती है मुझसे, उसकी इसी दुर्बलता को बढ़ाना होगा, उसकी आशा को निराशा में बदलना होगा। फिर देखना विंता स्वयं ही अपने डीमों को नष्ट कर देगी। परंतु मां ये सब होगा कैसे? जैसा मैं कहूं वैसा करते जाओ। सत्य कहा है सभी ने, अपने पुत्रों के साथ समय बिताने से बड़ा और कोई आनंद नहीं है संसार में। देखो ना, मैं ये फल रखकर भूल गई और फल सड़ गए। एक फल के कारण सारे फल अनुपयोगी हो गए, सब फेंकने पड़ेंगे। माँ यदि फल दो दिन में सड़ जाते हैं तो डिम कितने दिन में सड़ता है? अपनी माँ के धैर्य की और कितनी परीक्षा लोगे तुम? क्या मेरी ममता तुम तक पहुंच नहीं रही? क्यों मेरी पुकार को अनसुना कर रहे हो? जन्म कब लोगे तुम? मैंने तुम्हारा स्वर सुना है तो अपने अस्तित्व का आभास किसी और को क्यों नहीं कराते? रक्षक भैया, इस मुरली से इतनी मधुर ध्वनि कैसे निकलती है? बांस जितना खोखला होता है ना, उसकी ध्वनि उतनी ही मधुर होती है कालिया। अच्छा, फिर तो छोटी माँ के इन दिमों से और भी मधुर ध्वनि निकलेगी। समय के साथ इन सभी घटनाओं का प्रभाव विंता माँ पर गहराता जा रहा था। ईर्ष्या, असुरक्षा और निराशा उनके विश्वास को धीरे धीरे नष्ट करने लगी थी। ऐसे में कद्रु माँ ने अपना अंतिम दाव चला। क्या अब भी तुम्हें अपनी माँ पर दया नहीं आती? ये इतनी दुर्गंध कहाँ से आ रही है? अरे छोटी माँ,
ये सड़ांग कैसी है? हमसे ये दुर्गंध सहन नहीं हो रही है। छी, कितनी बुरी गंध है यहाँ। शीघ्र ही लौट चलो, भूतंदी सरकोटा यहाँ तो सांस तक लेना संभव है। कहाँ से आ रही है ये कुवास? तुम ऐसी भीषण दुर्गंध कैसे सहन कर पा रही हो? चलो मेरे साथ, अस्वस्थ हो जाओगी तुम। नहीं दीदी, मुझे मेरे पुत्रों को देखना है। क्यों, क्या तुम्हें भी लगता है तुम्हारे दिन सड़ गए हैं? वैसे ईश्वर ना करे पर सड़ी गए होंगे, नहीं तो इतनी आसानी दुर्गंध कहां से आती? विशेष पुत्र पाने की इच्छा में तुमने कुछ अधिक ही प्रतीक्षा कर ली है, क्योंकि स्वाभाविक जन्म होता तो अब तक हो गया होता ना। तुम मेरे साथ चलो, प्रातः आकर देख लेना। यदि अभी देखना है तो डिम फोड़ना होगा ना। नहीं दीदी, मैं यहां से नहीं जाऊंगी। जितना समय तुम्हारी संतानें टीमों में से बाहर आने में लगा रही हैं, तो शंका तो स्वाभाविक है। कहीं ऐसा तो नहीं बनता कि तुम्हारे टीम सड़ गए हो? माँ, यदि फल दो दिन में सड़ जाता है तो डिम कितने दिनों में सड़ता होगा? इसे जो धारण करेगा उसे ऐसी प्रतापी संतान प्राप्त होगी जिसके नाम और यश की कीर्ति समस्त ब्रह्मांड में फैलेगी। महर्षि दुर्वासा की दिव्य माला वक्ष पर है, किंतु तुम्हारे कानों में अभी तक संतान की किलकारी नहीं सुनाई थी। कोई ना कोई तो समस्या अवश्य है। विशेष पुत्र पाने की इच्छा में तुमने कुछ अधिक ही प्रतीक्षा कर ली है, क्योंकि स्वाभाविक जन्म होता तो अब तक हो गया होता ना। तुम्हारे टीम में सड़ गए। विशेष पुत्र पाने की इच्छा में स्वाभाविक जन्म होता तो अब तक हो गया होता ना। स्वाभाविक जन्म होता तो अब तक हो गया होता ना। खैर, ये छोटी माँ, धैर्य रखिए छोटी माँ, आपके डिम बिल्कुल ठीक है। अनन, तुम्हें दुर्गंध नहीं आ रही? आ रही है छोटी माँ, किंतु वो आपके डिम की नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे डिम परिपक्व क्यों नहीं हो रहे। तुम सबके जन्म को 500 वर्ष बीत चुके हैं, कोई डिम इतने समय तक संतान का पोषण करता रहे, ये कैसे संभव है? यदि अधिक उत्तम परिणाम की इच्छा हो तो उसके लिए अधिक परीक्षा और अधिक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। यही विधि का विधान है छोटी माँ। अदिति माँ भी तो कब से तपस्या कर रही है,
वही हमारे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। ओम नमो नारायणाय नमः। दीदी, गंध मेरे डिमो में से नहीं आ रही थी। मेरे डिम ठीक है। तुम्हारी ममता ने यह आभास तुम्हें पहले क्यों नहीं कर पाया विंता? सत्य तो यह है कि तुम्हारा हृदय भी जानता है कि कोई ना कोई समस्या अवश्य है। मैंने अपने पुत्र का स्वर सुना है। झूठे आश्वासन से तुम स्वयं को बहलाना चाहती हो विंता। मैं तुम्हारी बहन हूं, कैसे तुम्हें झूठी आशा की जाल में फंसने दे सकती हूं मैं? तो मैं क्या करूं दीदी? यदि ये सब आपके साथ हो रहा होता तो आप क्या करती? पांच सौ वर्षों तक तो बिल्कुल भी प्रतीक्षा नहीं करती, कम से कम एक दिन तो अवश्य फोड़ के देख लेती। कि उसके भीतर संतान है भी या नहीं, एक दिन तो अवश्य फोड़ के देख लेती। कि उसके भीतर संतान है भी या नहीं। पर इसे मेरा सौभाग्य कहूं या तुम्हारा दुर्भाग्य, ये पहली सुलझाना मेरी विवशता नहीं है, तुम्हारी है। तुम्हारे डिमो को तो देखकर लग रहा है कि मैंने शक्तिशाली पुत्रों की मांग करके बिल्कुल सही किया। तुम स्वयं देखो ना, मेरे पुत्र स्वयं ही अपने डिमो से बाहर आ गए, उन्हें मेरी सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ी। किंतु तुम्हारे पुत्र पता नहीं इतने सामर्थ्य है भी या नहीं कि इन्हें जन्म लेने के लिए तुम्हारी सहायता की आवश्यकता हो। मेरे पुत्र स्वयं ही अपने डिमो से बाहर आ गए, किंतु तुम्हारे पुत्र पता नहीं इतने सामर्थ्य है भी या नहीं कि इन्हें जन्म लेने के लिए तुम्हारी सहायता की आवश्यकता हो। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है प्रभु? क्यों मेरा मन अपनी ही बहन के पुत्रों को देखकर ईर्ष्या से भर उठा है? क्यों मेरे हृदय में अपने डिमो के विषय में शंका बढ़ती जा रही है? इस उहापोह की स्थिति में और अधिक रहना मेरे लिए संभव नहीं है नारायण। मुझे मेरे पुत्र प्रदान कीजिए, या तो मां बनने की मेरी आशा को ही समाप्त कर दीजिए, या फिर मुझे कोई स्पष्ट संकेत दीजिए कि मेरे डिम संतान ही नहीं है, उनमें मेरे पुत्र पल रहे हैं, वो सुरक्षित हैं। मुझे बताइए प्रभु, कोई संकेत दीजिए। Thank you.
जिस बालक ने अभी जन्म भी नहीं लिया तू उसे शत्रु मान बैठी है? अपनी बहन के साथ ऐसा विश्वासघात की कि उसके पुत्र के अस्तित्व को मिटाना चाहती है तू, क्योंकि तुझे ऐसा लगता है कि वो तेरे पुत्रों से अधिक शक्तिशाली होगा। क्यों इतना घनघोर विश्वास है तुझे कि वो तेरा और तेरे पुत्रों का अहित ही करेगा? तुझे तेरी बहन की सच्चाई, उसके स्नेह, उसके संस्कारों पर तनिक भी विश्वास नहीं है? ऐसी कौन सी समाधि में लुप्त है प्रभु जो अपनी भक्त की पुकार आप तक पहुंच ही नहीं पा रही है? ना आपको इस माँ की पीड़ा दिखाई दे रही है, ना ही मेरी इन संतानों को। क्यों प्रभु, क्या कमी रह गई थी मेरी साधना में, मेरी ममता में? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पुत्रों को मेरी पुकार सुनाई तो दे रही है किंतु ये विवश है? कद्रू दीदी के पुत्रों की तरह इतने शक्तिशाली नहीं है कि डिम का कठोर आवरण तोड़कर स्वयं बाहर आ सके, किंतु मैं इन डिमों को केवल निहारती नहीं रह सकती हूँ, थक चुकी हूँ इन्हें ताकते ताकते। मेरी भी इच्छा है कि मैं अपने पुत्रों को वैसे ही खिलाऊं जैसे कद्रू दीदी अपने पुत्रों को खिलाती है। अब मुझे ज्ञात करना ही होगा कि इन डिमों के भीतर मेरी संतान पल रही है या नहीं। इतना समय तुम्हारी संतानें डीमों में से बाहर आने में लगा रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं मिलता कि तुम्हारे डीम सड़ गए हो? पुत्र पाने की इच्छा में तुमने कुछ अधिक, क्योंकि स्वाभाविक जन्म होता तो अब तक हो गया होता ना। तुम्हारे डीम में सड़ गए, पता नहीं इतनी सामर्थ्य है भी या नहीं कि इन्हें जन्म लेने के लिए तुम्हारी सहायता की आवश्यकता हो। यदि मैं चाहती हूँ कि मेरे पुत्र सबसे अधिक शक्तिशाली हो, अपने शत्रुओं पर विजय पाने में सक्षम हो, तो उसमें क्या अनुचित हुआ जब दुर्वासा ऋषि ने विंता का पक्ष लिया था? उसमें कुछ अनुचित नहीं था जब बालखेल ऋषि ने स्वामी को पुत्र के रूप में आकाश का इंद्र पाने का वरदान दिया था? तब मेरे पुत्र जन्म ले चुके थे और विंता के पुत्रों का जन्म होना शेष था, उसमें कुछ अनुचित नहीं था। और यदि आज मैं अपने पुत्रों का हित करना चाहती हूँ तो अनुचित कैसे हुआ? अपने पुत्रों को शक्तिशाली बनाने की महत्वाकांक्षा रखना अनुचित नहीं है कद्रू, किंतु किसी और के पुत्र को जन्म लेने से पहले मारने के षड्यंत्र की रचना करना अनुचित है। अपनी बहन के मन में शंका का बीज इतनी गहराई तक बो देना कि वो अपने ही पुत्रों का हित कर बैठे। और यदि ये पाप तूने किया है तो इसका परिणाम तुझे और तेरे पुत्रों को भुगतना होगा। यदि आज तेरे षड्यंत्र के कारण विंता ने अपने डिमो को नष्ट कर दिया तो स्मरण रखना, भविष्य में तेरे पुत्रों के विनाश का कारण तू स्वयं होगी। हे नारायण, ये क्या कर दिया मैंने? मुझे विंता को रोकना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं विंता कि तुम्हारे डीम में सड़ गए? पता नहीं इतनी सामर्थ्य है भी या नहीं कि इन्हें जन्म लेने के लिए तुम्हारी सहायता की आवश्यकता हो। मेरे पुत्र 500 वर्षों से इन डिमों में प्रतीक्षा कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि मैं इन्हें बाहर निकालूं। ये मुझे देखे, अपने पिता को देखे, सारे संसार को देखे, मैं इनकी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगी। अब मैं वही करूंगी जो इस परिस्थिति में कद्रू दीदी करती है। 500 वर्षों से मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ, अब और नहीं। अब मैं अपने पुत्रों का मुख देख कर ही रहूंगी, जन्म लेने में इनकी सहायता अवश्य करूंगी मैं। Thank you.
डिम, मेरा डिम सड़ा नहीं है, मेरा पुत्र जन्म ले रहा है। अरुण, सूर्य की तरह लाल आभा वाले मेरे पुत्र, विकलांग है, फिर भी कितना शक्तिशाली है ये बालक। किसकी प्रकाश से पूरा आकाश लाल हो गया है। यदि क्रोध में उसने मुझे कोई श्राप दे दिया तो पुत्र, कुछ मत कहिए। इस समय आपके मुख से निकला हुआ एक एक शब्द मेरे इस अधूरे तन और मेरे टूटे हुए मन पर और अधिक आघात करेंगे। ईर्ष्या के कारण आप अपना विवेक किस हद तक खो बैठे कि ना तो अपने श्रद्धा रखी, ना ही धैर्य, ना ही महर्षि दुर्वासा के आशीर्वाद का मान रखा, ना ही महाशिव के परिजात माला की गरिमा। जिसे जो धारण करेगा उसे ऐसी प्रतापी संतान प्राप्त होगी। खिलने जैसे महान ऋषियों के तप को आपने अपनी अधीरता के कारण विफल कर दिया। महाबलवान, आकाश का इंद्र कहलाएगा वो, आकाश का इंद्र कहलाएगा वो। स्वयं महाप्रभु विष्णु ने आपको अपने पुत्रों के जीवित होने का संकेत भी दिया था माता, किंतु आपने उसे भी अनदेखा कर दिया। भाई ने आपको अपने अस्तित्व का आभास कराने के लिए आपको माँ कहकर पुकारा था माता, किंतु आपने उसे भी अनसुना कर दिया। आ,
माँ, पुत्र, तुम सत्य कह रहे हो पुत्र, बहुत बड़ी भूल हो गई है मुझसे। आपसे हुई है भूल, आपसे हुई है भूल, किंतु निर्दोष होने के बाद भी इस भूल का दंड आजीवन मुझे भोगना होगा माता। एक माँ का कर्तव्य होता है अपने पुत्र की रक्षा करना, किंतु आप तो ऐसी मां निकली जिन्होंने अपने ही पुत्र पर ऐसा प्रहार किया, जिसकी पीड़ा मुझे आजीवन शारीरिक और मानसिक रूप से सहनी होगी। जब जब अपने ही सौधे अपंग शरीर को देखूंगा, आपको ही अपना अपराधी पाऊंगा। आपको अपने किए का दंड भोगना होगा माता। इस समय जो भीषण और असहनीय कष्ट मुझे हो रहा है, ऐसा ही कष्ट आपको भी प्रतिपल सहना होगा। जिस बहन की बातों में आकर आपने मुझे ये श्रापित जीवन दिया है, वही बहन आपको आजीवन कष्ट देगी, और अब जाकर भी उसके आदेशों को अनसुना नहीं कर पाएंगी माता। जिस प्रकार मैं कभी स्वच्छंद उड़ान नहीं भर पाऊंगा, उसी प्रकार आप कभी स्वतंत्र नहीं रह पाएंगी। जिस प्रकार मैं अपनी विवशता का दास बन गया, उसी प्रकार आप भी अपनी बहन की दासी बनकर रहेंगी। ये श्राप है मेरा। क्रोध भी उतना ही बड़ा दोष है माता, इतना कि मोह और मत्सर। अपने क्रोध में मैं आपकी पीड़ा और पश्चाताप को देख ही नहीं पाया, आपकी ईर्ष्या तो देखी किंतु उसके पीछे छिपी आपकी ममता का आभास नहीं कर पाया मैं। मुझसे भी भूल हो गई माँ, यदि मैं अपने श्राप को वापस ले सकता तो। वो संभव नहीं है पुत्र,
किसी के लिए भी नहीं। इस श्राप ने मेरे लिए नर्क के द्वार खोल दिए हैं पुत्र। ऐसा नर्क जिससे मैं कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगी। कोई तो उपाय होगा माता, कोई तो माध्यम, कुछ तो होगा जिससे मैं। माँ, यदि आपके एक पुत्र ने आपको भीषण श्राप दिया है तो वही आपका यह दूसरा पुत्र आपको श्राप के बंधन से मुक्त करवाएगा। आपकी और पिताजी की इच्छा थी कि आपके पुत्र माता पिता की भक्ति के आदर्श बने, किंतु मेरे क्रोध ने मुझे इस पुनित उद्देश्य में विफल कर दिया। और अब मेरा वरदान मेरे श्राप को विफल करेगा। 500 साल बाद जन्म लेने वाला आपका यह पुत्र आपको इस दास्ता से मुक्त करवाने के लिए आकाश पाताल लेकर देगा। मां, इस संसार में परोपकार का ऐसा आदर्श प्रस्तुत करेगा कि इसकी महिमा का गुणगान युगों युगों तक किया जाएगा। श्राप दिया था, मुझे लगा था मेरा समस्त जीवन अब अंधकार की अथाह खाई में डूब गया है, पर अपने भाई को यश का वरदान देकर तूने मेरे अंधकार में आशा का उजाला भर दिया है। मुझे पूरा विश्वास है पुत्र, तू इस जन्म दोष से नहीं अपने कर्म से जाना जाएगा। ना स्वयं कभी हताश होगा, ना किसी को हताश होने देगा। अब श्रद्धा और धैर्य के साथ 500 वर्ष मेरे भाई के जन्म लेने की प्रतीक्षा कीजिएगा माँ। भगवान विष्णु के प्रताप से होने वाली आपकी संतान का वर्चस्व संपूर्ण आकाश में स्थापित होगा। महाबुद्धिमान, महाबलवान, आकाश का इंद्र कहलाएगा वो, आकाश का इंद्र कहलाएगा वो। यदि आपके एक पुत्र ने आपको भीषण श्राप दिया है तो वही आपका यह दूसरा पुत्र आपको श्राप के बंधन से मुक्त करवाएगा। वर्षों तक एक एक पल डिम के सामने बैठकर अपने पुत्र के जन्म की कल्पना की थी, आज जब समय आया तो उसे अपने हृदय से लगाए बिना ही स्वयं दूर कर दिया। माने अरुण भैया के स्थान पर मेरा दिन क्यों नहीं फोड़ा? यदि ऐसा होता तो कम से कम अरुण भैया स्वस्थ रहते, भले मैं अपंग क्यों ना रह जाता। ये विचार उचित नहीं है गरुड़। जो होता है किसी ना किसी कारण से ही होता है। नियति के गर्भ में अरुण के लिए कुछ और ही था,
जिसे पाने के लिए उसने सूर्य देव की आराधना की। ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः। तुम्हारी तपस्या सफल हुई अरुण, सदैव मेरे साथ रहने की तुम्हारी इच्छा मुझे स्वीकार है। आओ मेरे रथ के सारथी बनकर अपनी मनोकामना पूर्ण करो। सूर्यदेव का सारथी बनकर पूरे जगत में प्रकाश फैलाना ही अरुण का भाग्य था, जैसे तुम्हारा भाग्य अपनी मां को दासत्व के अंधकार से मुक्त कराना है। क्या सच में अरुण भैया के श्राप के कारण ही मां दासी बनी थी? सांसारिक घटनाएं इतनी सरल नहीं होती गरुड़। अरुण ने क्रोध में श्राप अवश्य दिया था, किंतु वो सत्य सिद्ध हुआ मेरी मां कद्रु के कारण। उनके साथ हुई दुर्घटना के बाद भी कद्रु मां बदली नहीं थी। उन्होंने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जिनके कारण बिंता मां की नियति इतनी दुखद बन गई। तुम जीत गई कद्रु, विजय का नाथ कैसा लग रहा है तुम्हें? यही तो चाहती थी तुम। सत्य कहो, तुम प्रसन्न हो ना? कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं किया मैंने। अस्वीकार करने से तुम्हारा किया मिट नहीं जाएगा। भले ही आज तुम अरुण के श्राप और उसके क्रोध से बच गई हो, किंतु भूलना मत, प्रकृति एक ऐसी मां है जो अपनी किसी भी संतान के साथ अनुचित होते हुए नहीं देख सकती। तुम्हारे कारण विंता आज अपने पुत्रों से दूर हुई है, वैसे तुम्हें भी अपने पुत्रों का विछोह सहना होगा। उसके विषय में सोचने से कोई लाभ नहीं मिलता। अपने आने वाले पुत्र के लिए अपने मन को स्थिर कीजिए और अपने खोए हुए धैर्य को पुनः अर्जित कीजिए। आपसे जो भूल हुई है उसके बाद आपके दूसरे पुत्र के प्रति आपका दायित्व और बढ़ जाता है। अब आपको शारीरिक रूप से ही नहीं, मानसिक और आत्मिक रूप से भी शक्तिशाली बनना होगा, ताकि हमारा पुत्र अरिष्टवर्ग अर्थात अपने 6 विकारों पर सदैव नियंत्रण रख सके, ताकि उसके हृदय में कभी द्वेष, ईर्ष्या और वैर ना आए। पर इसके लिए सबसे पहले आपको अपने हृदय से ये सारे विकार हटाने होंगे। अपनी बहन कद्रु को क्षमा करना होगा आपको।
जब विनिता मेरी आंखों में जागेगी तो उसकी दृष्टि में छुपे प्रश्न का सामना कैसे करूंगी मैं? शीश, वासुकी, ये क्या वेश है? माँ, हम दोनों परमपिता विष्णु और शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तपस्या करने जा रहे हैं। अनुमति दीजिए माँ। प्रभु को तो यहाँ रहकर भी प्रसन्न किया जा सकता है ना? उसके लिए सब कुछ त्याग कर महल छोड़ने की क्या आवश्यकता है? तपस्या तब सफल होती है जब मन शांत हो, पर आपके कारण आज जो इस महल में हुआ है उसके बाद हमें यहाँ शांति नहीं मिल सकती। तो तुम दोनों अपनी माँ को और अपने सगे भाइयों को इस संकट के समय में छोड़कर जाना चाहते हो और बहाना कर रहे हो तपस्या का? ऐसी बात नहीं है माँ, हमारी प्रवृत्ति आप सभी से विपरीत है और यहाँ रहकर आपकी आज्ञा का उल्लंघन करना हमारे लिए संभव नहीं होगा माँ। आपके अनुचित आदेश को मानकर अपने अंतर्मन के स्वर को अनसुना करना भी अब हमारे लिए संभव नहीं होगा माँ। माँ, हम भक्ति की शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, आप भी यही चाहती थी ना कि हम शक्तिशाली बने? हमें आज्ञा दीजिए माँ। अनंत, तुम्हें अनंत काल तक प्रभु श्री नारायण की भक्ति और सेवा का अवसर मिले। जैसे अनंत को नारायण की सेवा का सौभाग्य मिलेगा, वैसे ही तुम्हें मिलेगी महाकाल शिव की भक्ति। एक बार फिर हार गई मैं और वो जीत गई मुझसे। अपने पुत्र को खोकर भी वो मुझसे जीत गई। मुझे तो लगा था कि वो मेरे पुत्र को आशीर्वाद दे रही है, जबकि वो मुझसे मेरे सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली पुत्र को छीनने का षड्यंत्र रच रही थी। ये आप क्या कह रही हैं माँ? विनिता माँ का हमारे इस निर्णय से कोई संबंध नहीं है, ये निश्चय हमारा है। अब भी अपने रक्त का साथ देने के स्थान पर उस कपटी ईर्ष्यालु विनिता का पक्ष ले रहे हो तुम दोनों? ठीक है, जहां जाना चाहते हो जाओ, जहां जाओ सुखी रहना। जो हुआ उसके लिए मैं कद्रू दीदी को दोष नहीं देती। त्रुटि तो मेरी है ना, अपराध तो मुझसे हुआ है। अपने कर्मों के लिए कोई और नहीं, केवल मैं ही उत्तरदायी हूँ स्वामी। मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई होगी ना, तभी तो ऐसे संकट के समय में अपने प्रभु की कृपा पर विश्वास नहीं रख पाई मैं। आपसे यही आशा थी विनिता, अब आप अपने मन वचन और कर्म से भगवान विष्णु के भक्ति मार्ग का अनुसरण करें। अरुण के श्राप जितना निष्ठुर है उतना ही परोपकारी भी, और उसके श्राप के कारण आपकी भक्ति और प्रभावी बनेगी, और जब हमारा दूसरा पुत्र जन्म लेगा तो आपके भक्ति के संस्कारों में तप कर कुंदन बनेगा, और केवल आपके दुख का निवारण नहीं करेगा वो, अभी तो सारे जग के दुख का निवारण करेगा।
शारीरिक और मानसिक क्षमता में अद्वितीय बलशाली अपराजय एवं ऐसा आदर्श होगा जिसपे केवल आपको और हमें नहीं पूरे संसार को गर्व होगा, ऐसा पुत्र। प्रथम पुत्र के विकलांग होने के बाद भी विंदा इतनी शांत कैसे है? अवश्य ही इसके मस्तिष्क में कोई ना कोई योजना पल रही है, कोई ऐसा उपाय जो मेरे पुत्रों के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। विष्णु के प्रताप से होने वाली आपकी संतान का वर्चस्व संपूर्ण आकाश में स्थापित होगा। महाबुद्धिमान, महाबलवान, आकाश का इंद्र कहलाएगा वो, आकाश का इंद्र कहलाएगा वो। हम दोनों परमपिता विष्णु और शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तपस्या करने जा रहे हैं। हम सभी के प्रयासों से संकट टल तो गया है, किंतु पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। आज विंता ने पहला डिंब फोड़कर अपने पुत्र को अर्धविकसित स्वरूप में जन्म देने के लिए विवश कर दिया और उसी क्रोध में उसका पुत्र उसे छोड़कर चला गया। ये हमारी विजय है, किंतु उस विजय का बहुत भारी मूल्य चुकाना पड़ा है मुझे। मेरे दो पुत्र शेष नाग और वासुकी हम सबको छोड़कर चले गए। पर वो कहां गए हैं मां, और क्यों? परिवार द्रोही है वो, अपने रक्त को छोड़कर चले गए क्योंकि उनके मन में हमारे विरोधी के लिए सहानुभूति उपजती है। ना कोई प्रश्न होगा ना कोई चर्चा होगी, आज के बाद मैं इस महल में उन दोनों का नाम भी सुनना नहीं चाहती। विंता का एक पुत्र तन से दुर्बल है, अब हमें सुनिश्चित करना होगा कि उसका दूसरा पुत्र मानसिक रूप से भी दुर्बल हो और आत्मिक रूप से भी, ताकि जो विजय हमें मिली है वो कल हमसे छिन ना जाए। स्मरण रखना, खड़गेन आक्रम में भुंजीता, खड़गेन आक्रम में भुंजीता, खड़गेन आक्रम में भुंजीता। इतना सब कुछ हो गया, आप दोनों ने महल छोड़ दिया, फिर भी बड़ी माँ का हृदय नहीं पिघला। जिस बहन से वो इतना स्नेह करती थी अपनी, उसी बहन को इतनी अधिक पीड़ा कैसे दे पाती है वो? क्या उन्हें मेरी माँ के आंसू, उनके कष्ट, उनके दुख दिखाई नहीं देते? सर्वाधिक शक्तिशाली होने की कामना नैतिक अनैतिक के संतुलन को नष्ट कर देती है और उचित अनुचित का आभास समाप्त कर देती है। मस्तिष्क को तर्क से, हृदय को भावना से और आत्मा को सात्विक तत्वों से विहीन कर देती है। कद्रुमा के साथ भी वही हुआ, किंतु गरुड़, मां कैसी भी हो, अपने पुत्रों के लिए वो हमेशा मां ही होती है। मैं और वासुकी कद्रुमा से दूर हो गए, किंतु आज भी वह हमारी स्मृति में है। आज भी अपने प्रभु की पूजा करने से पहले मैं अपने माता पिता का नाम लेता हूं, आंखें बंद करके
उनकी उस छवि का स्मरण करता हूं जब मैंने उन्हें पहली बार देखा था। बड़ी मां की पहली छवि आपके लिए सुखदायक है, किंतु अरुण भैया उनकी स्मृति में तो मां पहली दृष्टि में ही अपराधी बन गई थी। जन्म लेते ही जो पहला भाव उनके मन में आया था वो घृणा का था। भैया कहीं आज भी अरुण भैया मां से नहीं? अरुण आज भी अपनी मां से बहुत प्रेम करता है। प्रत्येक रात्रि उन्हें स्मरण करके वो रोता है और उसके आंसू ओस बनके पूरी धरती पर बरसते हैं। प्रत्येक सुबह सूर्यदेव के निकलने से पहले अरुण स्वयं निकलता है, अपनी मां के दर्शन करके उन्हें प्रणाम करता है। और तुम्हारी मां भी अपने चेहरे पर अपने पुत्र की लालिमा का अनुभव करके मुस्कुराती है, प्रसन्न होती है। क्या हुआ गरुण? कुछ नहीं भैया, बस मां की स्मृति हुआई तो आंसू भी अपने आप ही आ गए। पहली बार मां को बिना बताए इतनी दूर आया हूं, पहली बार मां की पुकार को अनसुना किया है मैंने। केवल इसीलिए कि मैं अपनी मां को दास्ता से मुक्त करा सकूं। किंतु भैया इतना सब कुछ जानने के बाद भी मुझे इस बात का पता नहीं चल पाया कि मां बड़ी मां की दासी कैसे बनी। इसके पीछे अवश्य कद्रु मां की कोई चाल थी, परंतु क्या हुआ था, कैसे हुआ था, यह विस्तार से मुझे भी ज्ञात नहीं। करो तो क्या मेरी ये यात्रा व्यर्थ हो जाएगी? यदि शेष भैया भी नहीं जानते तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा इसके आगे का सत्य? कैसे पूरा होगा मेरा संकल्प? कैसे मुक्त कराऊंगा मैं अपनी मां को दास्ता के जीवन से? क्या हुआ करुण? कुछ नहीं भैया, बस मां की स्मृति हुआई तो आंसू भी अपने आप ही आ गए। किंतु भैया इतना सब कुछ जानने के बाद भी मुझे इस बात का पता नहीं चल पाया कि मां बड़ी मां की दासी कैसे बनी। इसके पीछे अवश्य कद्रु मां की कोई चाल थी, परंतु क्या हुआ था, कैसे हुआ था, यह विस्तार से मुझे भी ज्ञात नहीं। करो क्योंकि तब तक मैं और वासुकी हम दोनों ही तपस्या में लीन हो चुके थे। प्रभु की आज्ञा मिलते ही मैं यहां आ गया और तब से मैं यही हूं। प्रभु की साधना से जागने की प्रतीक्षा में व्याकुल एक सतर्क सेवक की भूमिका निभा रहा। इस बीच कद्रु मां और विंता मां के मध्य क्या हुआ इसका मुझे ज्ञान नहीं है गरुड़।
शेष भैया, मैं बहुत आशा लेके यहाँ आया था। जब तक मुझे माँ की दास्ता का इतिहास नहीं पता चलेगा, मैं उनका भविष्य कैसे बदल पाऊंगा? कैसे ढूंढ पाऊंगा माँ को मुक्त कराने का कोई उपाय? माँ कहती है वैकुंठ से कोई भी रीते हाथ लौट कर नहीं आता, फिर मैं सत्य जाने बिना कैसे चला जाऊं? भैया, कोई तो उपाय होगा, कोई मार्ग, कोई साधन, या फिर वैकुंठ आकर भी मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। मार्ग और साधन दोनों ही तुम्हारे सामने हैं गरुड़। पर प्रभु तो समाधि में है, ये मेरे प्रश्नों के उत्तर कैसे देंगे? प्रभु की कृपा पर विश्वास रखो, सच्चे हृदय से भक्ति की शक्ति का आवाहन करो गरुड़, और अपने प्रश्न पूछो, फिर देखना तुम्हें तुम्हारे उत्तर अवश्य मिलेंगे गुरु। लक्ष्मीकांतं कमलनयनं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं मातृभक्त गरुड़ाकरे प्रणाम, मातृभक्त गरुड़ाकरे प्रणाम। जिस माँ को मैं पूजता हूँ उनके मन में हरि आप बसते हैं। जब सबके दुख आप हरते हैं तब हर हर हरि कहलाते हैं। तो करो प्रभु मेरी माँ की दुखों को विराम। लक्ष्मीकांतं कमलनयनं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं मातृभक्त गरुड़ाकरे प्रणाम, मातृभक्त गरुड़ाकरे प्रणाम। ये स्वर जाना पहचाना लग रहा है। ओम नमो नारायणाय नमः। एक देवी ऊंचे पहाड़ की चोटी पर विराजकर प्रभु की गहन तपस्या कर रही है भैया। ये
तो देवताओं की माँ है, अदिति माँ। मार्ग मिल गया गरुड़। विंता माँ के साथ क्या हुआ था इसका उत्तर तुम्हें अदिति माँ के पास ही मिलेगा। किंतु भैया वो तो कठोर तपस्या में लीन है। जो कठोर तपस्या में लीन होते हैं ना उनके दर्शन मात्र से सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। विश्वास रखो गरुड़ अविलंब अदिति माता के पास जाओ। जी भैया। तुम्हें देखकर कितनी प्रसन्नता हुई है कि शब्दों में वर्णन करना संभव नहीं है मेरे लिए। बस अब एक ही प्रार्थना है शीघ्र अति शीघ्र विंता माँ को उनके कष्टों से मुक्त कराओ और तुम्हें फिर से वैकुंठ आने का सौभाग्य मिले। मेरी भी यही इच्छा है भैया कि भगवान श्री विष्णु के आशीर्वाद से मुझे वैकुंठ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो हम दोनों भगवान श्री विष्णु और मां लक्ष्मी के दर्शन एक साथ कर पाए। आशीर्वाद दीजिए भैया। विष्णुवे नमः ओम 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 विष्णुवे नमः। घी समाप्त हो रहा है। क्या संकेत मिला तुझे? मैं जानती हूं गरुड़ के साथ तेरा आत्मिक संबंध है। उसका हृदय पुकारता है और तेरा हृदय सुनता है। जन्म से पहले ही तू उसकी पुकार सुन लेती थी। अब बता कहां है वो? इस माँ का हृदय केवल इतना जानता है कि उसका पुत्र जीवित है। वो कहाँ है ये नहीं जानता पर मैं पता लगा सकती हूँ महारानी। यदि आप मुझे अपने पुत्र को ढूंढने जाने दें तो मैं अवश्य ही उसे लेकर आपके पास लौट आऊंगी। ये एक माँ का वचन है। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये।
यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। ओम नमः नारायणाय नमः। ओम नमः नारायणाय नमः। मुझे जाने दीजिए महारानी, वो अभी छोटा है, मुझे उसकी चिंता हो। मुझे तनिक भी नहीं हो रही है चिंता। मुझे पता है तेरे पुत्र के प्राण तुझ में बसते हैं, वो कहीं भी क्यों ना चला गया हो वो वापस तेरे पास अवश्य आएगा। तब मैं और मेरे पुत्र मिलकर अनुशासन का ऐसा पाठ पढ़ाएंगे उसे कि वो समस्त संसार के लिए उदाहरण बन जाएगा। यदि तू उसे ढूंढने चली गई तो चिंता मेरा भाग्य बन जाएगी। क्या सोचा था तूने, ऐसा होने दूंगी मैं? अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैक रूप रूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे। ॐ नमो नारायणाय नमः। ॐ नमो नारायणाय नमः। परमपिता विष्णु की भक्ति का प्रभाव चेतन प्राणियों में ही नहीं जड़ वस्तुओं तक में समा गया है। अद्भुत है अदिति माँ की भक्ति। ॐ नमो नारायणाय नमः। 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 ॐ नमो। तपस्या का प्रताप मुझे निकट नहीं जाने दे रहा, निश्चित ही मुझे इनकी साधना में विघ्न नहीं डालना चाहिए। ॐ नमो नारायणाय नमः। अदिति माँ, आपकी इस परम भक्ति का साक्षी बनना मेरा सौभाग्य है। प्रभु का नाम केवल आपके मुख से ही नहीं सीधे आत्मा से निकलते प्रतीत हो रहे हैं। ओम नमो। माँ कहती है कि आत्मा से की हुई पूजा ही महान होती है। अदिति माँ, आज आपको ऐसे तप करते देख मुझे माँ का स्मरण हो आया। पहली बार इतने अधिक समय तक माँ से दूर रहा हूँ और वो भी उनकी इच्छा के विरुद्ध। कितनी क्रोधित होंगी वो और चिंतित भी। आपकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, पर सारे तर्क वितर्क से परे इस माँ का हृदय अपने पुत्र के लिए आशंकित है। उसकी रक्षा कीजिएगा प्रभु, उसकी रक्षा कीजिएगा। ओ
नारायणाय नमः। मैं अपनी माँ को एक पल के लिए भी विचलित नहीं देखना चाहता था और अब स्वयं ही उनकी चिंता का कारण बन गया हूँ। पर अदिति माँ, आपके दर्शन पाकर न जाने क्यों मेरा यह विश्वास और बढ़ गया है कि अब मैं अपनी माँ के दासत्व और अपने जन्म की पूरी कथा अवश्य ही जान पाऊंगा। मेरा मार्गदर्शन कीजिए अदिति माँ। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय। की माता अदिति, ये भीषण तप अपने पुत्र को स्वर्ग का सिंहासन पुनः दिलाने के लिए कर रही है, परंतु उन्हें ये स्मरण नहीं है कि हम उनका ये उद्देश्य कभी पूर्ण नहीं होने देंगे। हमें उनका ये तप भंग करना है ताकि स्वर्ग ही नहीं लोक पर केवल हमारा राज हो, केवल और केवल हम असुरों का राज। ये सब तो महादेवी की तपस्या भंग करने के लिए आ रहे हैं, और यदि ऐसा हुआ तो भगवान श्री विष्णु का, उनके भक्तों का और स्वयं भक्ति का अपमान होगा। मैं क्या करूं? की माता अदिति, ये भीषण तप अपने पुत्र को स्वर्ग का सिंहासन पुनः दिलाने के लिए कर रही है। ये सब तो महादेवी की तपस्या भंग करने के लिए आ रहे हैं, और यदि ऐसा हुआ तो भगवान श्री विष्णु का, उनके भक्तों का और स्वयं भक्ति का अपमान होगा। मैं क्या करूं? कभी कभी मूर्खता करना बुद्धिमानी से भी अच्छा विकल्प होता है। अधिकतर व्यक्ति अपने कल्याण को दूसरों के हित से अधिक महत्व देते हैं और वो इसे ही बुद्धिमानी कहते हैं, किंतु जो परहित को स्वहित से ऊपर रखते हैं उसे इसका मूल्य चुकाना पड़ता है। इसलिए सामान्य जन की भाषा में इसे मूर्खता भी कहा जाता है। परंतु तुझे ये मूर्खता करनी है गरुड़, जब कभी परोपकार का अवसर आए। संभव है अन्य व्यक्ति हिचकिचाए, पर तू मत झिझकना।
कोई भी कारण क्यों ना हो, तू कभी परोपकार करने से पीछे मत हटना। माँ, परोपकार का वास्तविक अर्थ क्या है और मैं अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में इसका पालन कैसे कर सकता हूँ? स्वयं का हित सोचे बिना केवल दूसरों के हित के लिए किया गया कार्य ही परोपकार होता है। इसे निस्वार्थ भाव से करना होता है गरुड़, किसी लाभ अपेक्षा या प्रशंसा के बिना। और हाँ, ये तेरा कर्म है, इसे धर्म की तरह करना और फिर भूल जाना। मैं अपने दायित्व से पीछे नहीं हट सकता, इन असुरों को महा अदिति की तपस्या भंग करने नहीं दे सकता, फिर चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। आगे बढ़ो और विजय हमारी होगी। तो कोई देवता भी नहीं है। आगे मत बढ़ना। नहीं तो ये पक्षी जो हमें रोकने का दुस्साहस कर रहा है। आप सभी के चरणों में ये भाला आपके प्रति मेरे सम्मान का प्रतीक है। मैं युद्ध नहीं करना चाहता, इसीलिए विनम्र अनुरोध कर रहा हूं, कृपा आगे ना बढ़े। यहां परमपिता विष्णु जी के एक भक्त गहन तपस्या में लीन है।
उनकी साधना में विघ्न डालना अधर्म होगा। यदि ये अधर्म हम कर ही दे तो मेरी तीसरी और अंतिम चेतावनी है, इसके बाद भी किसी ने आगे बढ़ने का निर्णय किया तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। अब इस दुस्साहसी को दंड देना ही होगा। हाँ सेनापति जी, बड़े बड़े देवताओं से युद्ध करके आपने उन्हें धुन चटाई है। एक पक्षी को पराजित करने के लिए स्वयं मोर्चा लेना आपको शोभा नहीं देगा। हाँ सेनापति जी, स्वयं कार्य करने वाले छोटे कहलाते हैं, बड़ा बनना है तो शत्रु तक अपना दूत भेजना होगा। वाह क्या सुझाव है, उत्तम विचार है सेनापति जी। सही कहा माली सुमाली, अब समय आ गया है कि हम अपने शक्ति का प्रदर्शन करें। लगता है मेरा संदेश उन्होंने सुना तो, किंतु समझा नहीं। अब दूत को अच्छे से समझाना होगा। जाओ, सुनो, हमारे स्वामी को जाकर बचाकर भागो अपने प्राण। सेनापति कर रहे हैं सावधान, सुनो ध्यान से, छटपट जाओ फिर ना मिलेगा रक्षा दान। सुनो समझो, हमारी विजय का बज रहा है गगनभेदी शंख, क्रोध से हमारे भस्म होगा। जिस पर तुम्हें है गर्व वो पंख। वो कह रहे हो, मुझे शीघ्र अधिति का तप भंग करना है, पर ये पक्षी जाओ पंख फैलाओ उड़कर जाओ चले जाओ। जाओ पंख फैलाओ उड़कर जाओ चले जाओ। बड़े विचित्र प्राणी हो तुम, यदि ईश्वर ने बोलने के लिए एक मुख दिया है तो सुनने के लिए दो कान भी तो दिए हैं, उनका भी प्रयोग किया करो। और दूत का कार्य केवल संदेश देना नहीं होता, उत्तर पहुंचाना भी होता। अब तुम मेरा संदेश अपने दोनों कान से और पूरे ध्यान से सुनो, हो सके तो अपने सेनापति को भी जाके समझा देना।
बुद्धिमानी तो सब करते हैं, पर मैं मूर्खता ही करूंगा। अन्य सभी हिचकिचाते होंगे, पर मैं तनिक भी ना डरूंगा। मेरी माँ ने सिखाया है ये परम संस्कार, धर्म की तरह करना है मुझे परोपकार। इस तप की रक्षा का लिया है मैंने संकल्प, युद्ध भी अवश्य करूंगा यदि ना रहा कोई विकल्प। अवश्य ही उस पक्षी का संदेश है सेनापति जी। वीर भी है और वाचाल है, मूर्खता करने को तत्पर, अवश्य ही बुद्धिमान है, आयु में बालक, संकल्प में दृढ़। क्या कोई देवता हमारे सामने विद्यमान है? असंभव है ये, प्राणों के भय से छुपे हैं सब देव। वनिया की सिकंदरा में अच्छी तरह जानते हैं, हमारे सेनापति साक्षात काल हैं। काल हैं। अर्जित समय में की गई कर्णप्रिय बातें अच्छी नहीं होती। ये कौन है और किसके कहने पर आया है, ये हमें पता करना होगा। तुम मेरा नाम या मेरा कुल जानने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। माँ कहती है व्यक्ति की वास्तविक पहचान उसके कर्म से होती है, और मेरा कर्म इस तपोभूमि की रक्षा करना है। तपोभूमि की या तप करने वाली की? उसके पुत्र पहले ही कायरों के भांति अपने प्राणों को बचाकर कहीं छिपे हुए हैं, तो तुम अपने प्राणों की आहुति क्यों देना चाहते हो? संबंध ही क्या है तुम्हारा उसके साथ? धर्म का संबंध है मेरा। माँ कहती है धरती के कण कण में प्रभु श्री विष्णु जी का वास है। चर अचर जड़ चेतन यहाँ तक कि सभी प्राणी भी उन्हीं का रूप है, और जब हम सब में एक ही ईश्वर कांच, तो हम सब आपस में संबंधी हुए ना। बड़ी कम आयु में बड़ी बड़ी बातें करना सीख गए हो तुम। मेरी माँ ने सिखाया है मुझे। अद्भुत अद्भुत, इतनी अच्छी और सुंदर बातें सिखाने वाली कौन है तुम्हारी माँ, और कौन है तुम्हारे पिता? किसके पुत्र हो तुम? फिर से परिचय पर आ गए तो फिर एक और बात जान लो। पहले परिचय देने वाला दुर्बल कहलाता है। मेरा बल मेरे भुजाओं की शिराओं में है, तू अपना परिचय देने से हिचक रहा है। मैं देता हूं अपना परिचय, असुर सेनापति हूं मैं, महान ऋषि कश्यप और माता दीदि का पुत्र बजरंग। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए भैया। भैया महर्षि कश्यप और माँ विनता का दूसरा पुत्र गरुड़ हूं मैं। वाह 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 वाह
हम सचमुच भाई हैं। तब तो हमें युद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं है। भाई तो देवता भी है, फिर उनसे युद्ध क्यों? वर्षों का पैर है हमारा, जो उनके अंत के साथ ही समाप्त होगा। तू उनका पक्ष मत ले करो, हमारे साथ हो जा। मैं तेरी शक्तियों से प्रभावित हूँ, मैं तुझे अपनी सेना में ऊंचा पद दूंगा। आजा मेरे साथ। आपने मेरे विषय में सोचा, इतना अच्छा प्रस्ताव दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद भैया। किंतु पद और प्रतिष्ठा के लोभ में आकर मैं अपना कर्तव्य नहीं भूल सकता। मूर्ख मत बन करोड़। माँ ने सिखाया है, कभी कभी मूर्खता करना बुद्धिमानी से भी अच्छा विकल्प होता है। और क्या लाभ होगा मूर्खता से? अपना भला सोच करोड़। हम असुर तुझे स्वर्ग का सुख प्रदान करेंगे। स्वर्ग का? मेरा स्वर्ग, मेरा सुख मेरी माँ के चरणों में ही है। यदि आपको कुछ देना ही है तो देवताओं को दे दीजिए। कभी नहीं, कभी नहीं। देवता हमारे परम शत्रु हैं, इसलिए आज हम देव माता के तप को भंग करेंगे। ओम नमो नारायणाय नमः। ताकि देवता कभी हम पर विजय प्राप्त ना कर सके। भैया, अदिति माँ आपकी भी माँ समान है। आपकी माता की बहन है वो, और उनकी इतने वर्षों की तपस्या भंग करके आप उन्हें कष्ट तो देंगे तो स्वयं भी सुखी नहीं रह पाएंगे। ये महापाप मत कीजिए भैया, लौट जाइए। लौटना तो तुझे होगा गरुड़। बालक समझकर मैं तुझे समझा रहा था, पर यदि तूने हट नहीं छोड़ा तो अब मुझे बल का प्रयोग करना पड़ेगा। किंतु मैं बल का प्रयोग नहीं करना चाहता, और अपने भाइयों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं भयभीत हूं। आपके पास विकट दैत्य और असुर है, इतनी बड़ी सेना है, किंतु मैं भी दुर्बल नहीं। भक्ति का बल, धर्म की तलवार, सत्य की ढाल और मां के आशीर्वाद का मंगल कवच है मेरे पास, और जिसके पास इन चारों की शक्ति है वो कभी नहीं हार सकता।